गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग? होप यू आर वेल। सो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वर्क की दैट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू पीपल। श्वेता, राधा, मीनू, शैली, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल बीच में छोड़ दिए थे। छाया बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट। राधा तो यास्मीन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। तो हमें किस पे फोकस करना होता है? मिसमैच्ड पे। इन अ सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। तो सिंगुलर टू प्लूरल आपको देखना है। सीरीज हमारी क्या है बच्चों? सीरीज है सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि इधर होगा सिंगुलर और इधर होगा हमारा प्लूरल, करेक्ट। तो आप देखो यहां पे रेडियस सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है? रेडियाई। मीडियम सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है? मीडिया। ब्यूरो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है? ब्यूरोक्स। और क्राइटेरिया बच्चों हमारा कैसा है? प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर क्या है? क्राइटेरियन, यानी कि ये उलट हो गया, बाकी सब सही है। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? 100% आएगा, बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। नेहा, राधा, मीनू, श्वेता, जया, करेक्ट बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट। हमें फिर से ध्यान देना पड़ेगा कि वो इनकरेक्ट की बात कह रहा है। कौन सा रूल्स इनकरेक्ट है विद रेफरेंस टू ग्रामर, ग्रामर के रेफरेंस में। सबसे पहले कहते हैं टू मेन क्लॉजेस, मेन क्लॉजेस सेपरेटेड ओनली बाय अ कॉमा कैन नॉट स्टैंड इन इंग्लिश। तो बच्चों देखो क्लॉजेस का आपको पता है क्या? दो मेन क्लॉजेस सेपरेट की जा सकती है सिर्फ एक कॉमा से। व्हेन एंड इज एडेड टू अ प्रोनाउन गवर्न्ड बाय अ प्रपोजिशन द लेटर गवर्न्स एंड प्रीसीड्स द रिलेटिव प्रोनाउन ऑल्सो। किसकी बात कर रहा है वो? एंटीसीडेंट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बताऊं तो आपको हमने इसको कैसे पढ़ा है? एंटीसीडेंट की बात करता है। तो क्या एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है? 100% आती है। शुड विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन मींस ऑट टू। अगर हम बच्चों शुड की बात करें किसके साथ में सेकंड और थर्ड पर्सन के, तो 100% भाई शुड का मीन्स होना चाहिए, वो भी ऑट टू की कंडीशन बनाता है। लेकिन अभी कह रहे हैं वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मीन्स है आई एंड वी। लाइक मैं कहूं आपको आई वुड, या मैं कहूं बच्चों आपको वी वुड। तो सीधी सी बात है जब आप फर्स्ट पर्सन के साथ में वुड लगाते हैं तो ये ought to नहीं बताता, बल्कि ये क्या करता है? ये फ्यूचरिस्टिक एक्शन को दिखाता है, वो भी किसके? पास्ट के। तो हम इसे बताएंगे पास्ट के फ्यूचर एक्शन की बात करता है, पास्ट के फ्यूचर एक्शन की बात करता है। तो बच्चों गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? डी। बाकी सब सही है। मेन क्लॉजेस को आप सिर्फ कोमा से भी, ओनली बाय कोमा कैन नॉट स्टैंड, बिल्कुल कोमा से नहीं बल्कि हमें वहां पे क्या लगाना होता है? टू मेन क्लॉजेस सेपरेटेड ओनली बाय कोमा कैन नॉट स्टैंड। हाँ, हमें वहां पे कंजंक्शन भी लगाना होता है। इस बात को सभी बच्चे जानते हैं। कंजंक्शन कोमा सब जाके मिलके वहां पे बनाते हैं, सिर्फ एक कोमा से नहीं हो सकता, क्योंकि कंजंक्शन 100% किसमें होगा? हमारी सबोर्डिनेट किसमें बनेगा? कोई से भी मेन क्लॉज में। एक मेन क्लॉज हमारी कंजंक्शन से जुड़ेगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। वो कह रहा है कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। तो नॉट करेक्ट की बात बना रहा है। जैसे बच्चों देखो एज, साइलेंट, एज स्टार, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैक्सिमम फ्रेजेस याद होनी चाहिए, कम से कम एक नजर डालने के हमें पता चल जाए कि एज कूल होता है तो बच्चों एज कूल एज कुकुम्बर होता है। अगर मैं कहूं एज क्लियर तो बच्चों एज क्लियर एज क्रिस्टल होता है। समझ रहे हो बात को आप? तो देखो जैसे यहां पे लिखा साइलेंट स्टार 100% साइलेंट होते, रेड एज चेरी, चेरी लाल होती है, चीयरफुल एज अ बार्क, ये बच्चों बार्क नहीं है तो कुछ और होना, लार्क, ये लार्क है। लार्क देखिए आपने, लार्क पक्षी, तो लार्क की तरह से भी बिल्कुल। लेकिन बिटर एज गॉल, ये बच्चों गलत है। तो बिटर एज गॉल नहीं बल्कि गोर्ड होता है, GOURD, आई थिंक सो। तो एज बिटर एज गोर्ड हम इसको बनाते हैं। बाकी इसका करेक्ट जो हम देखेंगे वो क्या बनेगा? लेट मी सी दैट। इसमें जो करेक्ट है बच्चों वो करेक्ट सिर्फ एक ही है, नॉट करेक्ट कंडीशन बना रहा है। यस, क्या कहेंगे आप लोग? यास्मीन, छाया, श्वेता, जया। सही बात है, ये लिखा हुआ ही गलत है, हमने इसको वैसे ही किया। ये बच्चों बार्क ही है, तो बार्क नहीं बल्कि ये लार्क होना चाहिए, तो ये ही इनकरेक्ट है। ऐसे करके आंसर है, वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि 20 में करेक्ट नहीं होगा, बाकी सब इसमें करेक्ट हमारे बनेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस बच्चों, तो इसका मतलब है कि हमें कंपैरिजन, यानी मैं कह दूं आपको तो हमें सिमली को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सिमली को आप ध्यान में रखते हैं। जब पे कंपैरिजन करते हैं, किस किस से कंपैरिजन करते हैं? लाइन और एज से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। Which of the following is mismatched with reference to verb or antonym sequence? तो आपको यहां पे मिसमैच देखना है बेसिकली। कैसे? विद रेफरेंस टू वर्ब, वर्ब के साथ में एंटोनिम आपने क्या लगाया। जैसे बच्चों यहां पे देखो, एक्विट, एक्विट का मीन्स है छोड़ना, रिहा करना। क्या करना? रिहा करना। जबकि कन्विक्ट का मीन्स है दोषी बनाना। अगर हम किसी को दोषी बनाते हैं तो बच्चों हम कन्विक्ट करते हैं, रिहा करना सही है, आपस में एंटोनिम है। ग्रैंड, ऑर्डिनरी, तो बच्चों ग्रैंड का उल्टा ऑर्डिनरी बनेगा बिल्कुल। ग्रैंड का मीन्स है शानदार, ऑर्डिनरी का मीन्स है साधारण। हम्बल, हम्बल हॉटी, हम्बल है एक विनम्र पर्सन, हॉटी है घमंडी पर्सन, दम्भी पर्सन। लेकिन इसको देखो, डिसोलेट और परकोलेट, ये बच्चों गलत हो गए। डिसोलेट का बेसिकली मींस क्या होता है ना, एक तरह से जिसके पास कुछ भी ना हो, एम्प्टी सा। एम्प्टी काइंड ऑफ थिंग को हम डिसोलेट कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं यहां पे। तो डिसोलेट हमारा बेसिकली क्या है? एम्प्टी और विदाउट पीपल, इसको अनहैप्पी कहेंगे। ठीक है जी। जबकि परकोलेट अलग है यहां पे, इसका मीन्स है किसी चीज का रिसना या टपकना, ओज आउट होना, कहते हैं ना ओज आउट। तो ये ओज आउट को हम दिखाएंगे परकोलेट से, तो ये हमारा गलत है। डिसोलेट, परकोलेट, दैट वुड बी टोटली रॉन्ग। एग्जैक्टली बच्चों, बाकी सब आपके करेक्ट हैं, सीक्वेंस में जा रहे हैं, एंटोनिम्स हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। भाई हमें क्या करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एडजेक्टिव के साथ में हमें करेक्ट प्रपोजिशन देखना है, प्रपोजिशन। तो भाई देखो यहां पे, केयरफुल ऑफ ड्रेस, केयरफुल के साथ में ऑफ आता है, हमें पता है। एनोयड एट, बिल्कुल बच्चों सही है, एनोयड एट थिंग्स होता है। बिजी एट लेसंस, ये थोड़ा सा। हॉरिफाइड एट द साइट, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों इसको देखो, बिजी एट लेसंस, हम ये कहते हैं आई एम बिजी, आई एम बिजी विद मोबाइल, मैं किसके साथ में बिजी हूं? मोबाइल के साथ में। विद माई स्टडीज, स्टडी के साथ में। विद बुक्स, तो बिजी विद होता है, ना कि बिजी एट होता है। तो हमें देखना है कि बिजी यहां पे जो कि एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव है, उसके साथ में हमें विद लगाना है, ना कि हमें यहां पे कुछ और लगाना है। ठीक है पन्ना, ऑल राइट। अगले क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट नहीं है। पहला देखो, केस भाई इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? केस। जैसे आपका नाउन केस होता है, मतलब हम क्या क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो केस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन विद टू द अदर वर्ड्स, बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट वर्ब से पहले आएगा, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा, इसी को दिखाने वाला हमारा केस होता है। हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस हैज नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के साथ में नॉमिनेटिव केस का कोई रिलेशन नहीं होता है बच्चों, है। पजेसिव केस डिनोट्स ऑनरशिप, ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इसको छोड़ देंगे, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव केस डिनोट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस का एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। तो बताओ बच्चों इसमें हम किसको आंसर करेंगे? Which of these must be the answer of this question? यहां पे आप आंसर किसको बनाएंगे? देखो अगर मैं आपको नॉमिनेटिव केस बताऊं तो आपको पता है नॉमिनेटिव का मतलब होता है बच्चों, नॉमिनेटिव का मीन्स होता है सब्जेक्टिव केस जो वर्ब से पहले आए। तो सब्जेक्टिव केस होगा तो 100% इसकी रिलेशनशिप होगी, ना कि ना होगी। जैसे आप इस सेंटेंस को देखो, ही हैज अ बुक, ये क्या है बच्चों? है ना, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है। अगर मैं यहां पे आई लगा दूं तो हैव बन जाएगा आई हैव अ बुक। अगर मैं यहां पे लगा दूं दे तो फिर बदल जाएगा दे हैव अ बुक। करेक्ट, इसका मतलब यह हुआ कि ये एक फाइनाइट वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रही है, तो इसका लेना देना 100% है। तो आंसर हमारा बी जाएगा। ये बच्चों स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी पोजीशन को दिखाना, ऑब्जेक्टिव केस को डिनोट करना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव केस इन मॉडिफिकेशन डिस्टिंग्विश, ये तीनों सही है हमारे। हाँ वर्ब पे होता है राधा, बिल्कुल मोहिनी, करेक्ट बात है। इसको देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, फिर से पूछा है उसने कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। पहला देखो, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स इंक्लूड द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल। अब बच्चों आपको पता है न्यूमेरल क्या होते हैं? न्यूमेरल होते हैं आपके 1 2 3 4 ये सारे के सारे। तो इसमें कहता है कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल यही है सारे, जबकि ऑर्डिनल क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, ये ऑर्डिनल बन गए आपके। पार्टिशिव, पार्टेटिव एडजेक्टिव डिनोट अ पार्ट ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है बिल्कुल। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या डिस्क्रिप्ट करते हैं? काइंड ऑफ कंडीशन। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, ये डिस्क्रिप्शन नहीं देते, तो ये भी बात सही है बच्चों। तो क्या आंसर बनेगा हमारा बताइए? क्या बनाएंगे आप इसमें? ओके ठीक है, देखो सबसे पहली बात देखो, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स है ना, ये जो मैंने लिखे आपके सामने 1 2 ऐसे नहीं, नंबर में नहीं, ये ऐसे आएंगे 1 2 3 4 और ये बच्चों सारे के सारे कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं फिर फर्स्ट सेकेंड, और ये सारे ही आपके न्यूमेरल में आएंगे, तो 1 हमारा करेक्ट हो गया। पार्टेटिव एडजेक्टिव्स का मतलब है जो पार्ट ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट को डिनोट करें, जैसे 1/4 3/4 हम पार्टीशन बना सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव बच्चों डिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन ये जो लिखा ना प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? जैसे आप देखो ये प्रॉपर एडजेक्टिव बच्चों अक्सर बनते हैं प्रॉपर नाउन से। किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से। जैसे मैं कहूं आपसे मिल्टन, मिल्टन प्रॉपर नाउन है, ये क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं कहूं मिल्टॉनिक, समझ में आ गया? तो आप ऐसे कहते हो मिल्टॉनिक पोएम या मिल्टॉनिक स्टाइल, STYLE। स्टाइल क्या है? नाउन, ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। आगे बात समझ में, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। नहीं बच्चों डिस्क्रिप्शन तो दे रहे हैं, मिल्टन का स्टाइल, तो ये डिस्क्रिप्शन ही तो है एक तरह से। जैसे मैं कहूं आपको, जैसे हम कहें आपको दिल्ली, तो बच्चों दिल्ली से बनता है दिल्लीटन, am I right or not? तो आप कहते हैं दिल्लीटन फूड या दिल्लीटन पीपल, ऐसे बोल देते हैं। ये नाउन, ये एडजेक्टिव, तो ये कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रहा है। इंडियन, इंडिया से इंडियन, चाइना से चाइनीज, ये सारे के सारे एडजेक्टिव बनेंगे। अमेरिका से अमेरिकन, तो अगर बच्चों कभी भी आप देखो अमेरिकन, मतलब सेंटेंस ऐसे लिखा है आई एम अमेरिकन, तो बताओ ये सही है कि गलत है? आई एम अमेरिकन, इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है ये बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज बिल्कुल करेक्ट। या फिर हम खूब लिखते भी हैं अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन बुक, अमेरिकन स्टाइल, ऐसे कहते हैं ना ब्रिटिश स्टाइल, ब्रिटिश बुक। हाँ, प्रॉपर स्पेसिफिक बनाता, बिल्कुल सही बात है अर्चना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों हम इन द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, टीचिंग इज अ साइंस, द अंडरलाइंड वर्ड्स इज, एक मिनट में देखता हूं इसमें क्या अंडरलाइन है बच्चों। ये देखो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है आपका टीचिंग, इसको अंडरलाइन किया गया है ना, टाइपिस्ट ने नहीं किया क्योंकि उसे लगा ये सही है सब कुछ, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इन दिस एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइंड वर्ड, ये क्या है, वर्बल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन या फिर बच्चों नन ऑफ देम। खुद इवेल्युएट करके बताइए टीचिंग को आप इसमें क्या कहेंगे। कैसा नाउन इसको बनाएंगे। ओके जया, अर्चना ठीक है जी, मीनू गुड, राधा, श्वेता, सोनम। भाई सीधी सी बात, ये देखो वो कहता है टीचिंग, टीचिंग किससे बना, टीच से। टीच क्या है, एक वर्ब, तो बच्चों आपने वर्बल नाउन ही तो बनाया, यही तो आपका जीरंड है। आप इसे जीरंड कह लो या वर्बल नाउन कह लो, बातें की है आपकी, Am I right or not? क्योंकि आप इसे नाउन की जगह पे यूज कर रहे हैं। वो तो बात सही है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, टीचिंग जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, बट बच्चों वो कहता है अगर हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहें और वर्बल नाउन कहें ज्यादा बेहतर कौन सा है, ए। वैसे अगर ये आंसर ना हो तो हम इसे एब्स्ट्रैक्ट भी कह देंगे, है ना, ना कि कॉन्क्रीट या कुछ कहेंगे, बट ये बच्चों वर्बल नाउन बनेगा, वर्ब से बना है। हाँ मेन फोकस वर्ब पे है, मतलब सीधी सी बात है भाई, हम इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये देखो एब्स्ट्रैक्ट से ज्यादा क्या है वो। जैसे मैं कहूं आपको ब्यूटी, हम कहे बच्चों आपको ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये वर्ब से तो नहीं बना है ना, किससे बना है, ब्यूटीफुल से, ब्यूटीफुल का मीन्स है एडजेक्टिव, तो हम इस बात पे फोकस करेंगे, इट वुड बी ए। तो हर चीज को आपको फोकस करना है वहां पे। अगला देखो बच्चों, ओके ये तो क्वेश्चंस ओवर हो गए। अभी समय कितना हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ समय। तो देखो ये क्वेश्चंस हमारे निकल गए हैं सब, कंप्लीट हमने इसको कर लिया है, वेरी गुड। कुछ और क्वेश्चंस यहां पे ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सेट में देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कितने बचे हुए हैं, या फिर कंप्लीट हो गए, कैसे हुआ। तो इसको देखो बच्चों, ये आपने किया कि नहीं किया अब तक। The poem Coleridge described as that prophetic lay, ये कौन सा आंसर बनेगा हमारा, क्या ये आपने अभी तक किया है या फिर बच्चों नहीं हुआ है। देखो लिटरेचर आ गया अर्चना आपके सामने, ये सारा का सारा आपका लिटरेचर ही है। ऑल राइट बच्चों, ये द प्रिल्यूड है हमारा, दिस इज द प्रिल्यूड। हाँ दोनों हो तो वर्बल नाउन, मतलब जैसी भी वहां कंडीशन बने। अच्छा ये हो गया है, आप ये कह रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं, दो चार क्वेश्चन इसके करते हैं, फिर आगे इसमें ऐड कर लेंगे। एक बार मैं चेक कर लूं इसमें और भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं क्या। आप एक काम करो, कुछ क्वेश्चन हम बच्चों डिफिकल्ट से लेते हैं। आज कुछ क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट वाले लेंगे और वो क्वेश्चन रहे आपके ये। देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर देता है इनका। इंडियन लिटरेचर पे छाया ये भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, व्हाई नॉट, वी वुड बी डूइंग दैट। तो बच्चों इनको देखो, और ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपका। The 100 Years' War was fought between England and, बताओ किस किस के बीच में लड़ा गया था, and who was the victorious among them? Victorious कौन था, winner कौन था? यहां पे विक्टोरियस बच्चों यूके वर्सेस फ्रांस में कौन कौन था यह भी आपको बताना है। 100 Year War में इंग्लैंड वॉज द विनर, मीनू बिल्कुल ठीक है। द हेनरी IV, ठीक है जी, डी आंसर कर रहे फ्रांस, बहुत अच्छे बच्चों। तो फ्रांस और इंग्लैंड यानी यूके के बीच, इन दोनों के बीच में था, और इसमें विक्टोरियस कौन था हमारा? इट वॉज यूके। मतलब कहने का तो भाई 100 ईयर तक चलेगा तो कभी कोई जीतता कभी, लेकिन फाइनली अगर हम देखें तो इट वॉज द यूके विच ओवरकम द फ्रांस। फ्रांस को इन्होंने ओवरकम किया था, हाँ चौसर को पकड़ लिया बिल्कुल, चौसर को 26 स्टर्लिंग पौंड की ब्राइब के बाद छोड़ा गया था, अदरवाइज ही वाज एब्डक्टेड। और एब्डक्टेड मतलब ऐसे होते थे वॉर प्रिजनर, उनको मार दिया जाता था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गए। तभी जाके उन्होंने क्या लिखा? कैंटरबरी टेल्स। नेम द पीरियड ऑफ लिटरेचर इन विच विशर्ले कॉन्ग्री, भी आपके लिए काम का नहीं है, नोटेबल फिगर इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, नो। हाँ ये बढ़िया है क्वेश्चन। किस ईयर में बच्चों थिएटर्स क्लोज किए गए थे इंग्लैंड के? 42, 50, 60 या बच्चों 65? क्या आंसर करेंगे आप इसमें? व्हाट आंसर वुड यू मेक इन दिस? क्या हमारा आंसर बनेगा? ओके, वेरी गुड बच्चों, इट वॉज, हाँ कैरोलाइन, कैरोलाइन बोले तो बिल्कुल ठीक है, इट वॉज 1642। तो ये 1642 आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। वॉट डिड द प्रीरेफेलाइट एम एट, की जरूरत भी आपको नहीं है। बाकी इतना जानना है कि भाई प्रीरेफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, ये बढ़िया है। न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो कॉल्ड, ये और क्या कही जाती है? Is also called as, तो इसको हम न्यू क्लासिकल को क्या कहते हैं? जैकोबियन एज, रेस्टोरेशन एज, प्योरिटन एज, या फिर बच्चों ऑगस्टन एज, ये आपने पढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अर्चना, ऑल राइट। रेस्टोरेशन, ओके, ना 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 बच्चों, न्यू क्लासिकल की बात कर रहा है वो, ऑगस्टन एज आंसर देंगे आप इसका, इट इज ऑगस्टन एज, न्यू क्लासिकल। अगली बात हम करते हैं बच्चों 7th century राइटर्स वर्क्स कैरेक्टराइज्ड बाय द यूरोप, ये बहुत बढ़िया है। 7th century में इंग्लिश पोएट्स कौन थे जिनके वर्क को कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द यूज ऑफ कंसीट्स? कंसीट्स आपको याद है ना, समथिंग फार फेस्ट, सम फार फेस्ट मेटाफर्स यूज्ड टू बी यूज्ड बाय देम। मेटाफिजिकल्स, बहुत अच्छे बच्चों, ये सारे मेटाफिजिकल थे। हमने इसको कैसे बनाया था मेटाफिजिकल्स को, कि अब्राहम की काऊ, यानी अब्राहम काउले क्या किया? वॉल के ऊपर से जंप कर गई, किसके ऊपर? जॉन डन के ऊपर, जो कहां पे बैठे थे? जो बैठे थे बच्चों मार्वल पे, यानी मार्वल, और वो घबरा के क्या बन गए? हर्बर्ट में चेंज हो गए। तो देखो ये सारे राइटर हमारे यहां पे आते हैं, अब्राहम काउले, वॉलर, जॉनडन, मार्वेल, हर्बर्ट। करेक्ट और नॉट करेक्ट? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं तो इट इज जॉनडन, हु हैज बीन द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल, यानी कि ही वाज द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, इसके फाउंडर थे वो। क्या ये बात करेक्ट है सब बच्चों के लिए? इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये बड़ा अच्छा है बच्चों, जो इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स आप देखते हैं जिनका टाइम पीरियड था 1800 से 1850 तक, ये किससे इन्फ्लुएंस थे? इनमें से ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से, ड्रॉनिज्म से, डार्विनिज्म से, पीजेंट्स रेवोल्यूशन या मूवमेंट, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन? बताइए बच्चों। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे आंसर सारे आप लोगों के। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन थी जिसने इनको क्या किया था, टारगेट किया था। इसी से ये पूरी तरह से एंथुजियास्टिक थे। तो फिर आप इसका आंसर बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री? डन, हर्बर्ट, वॉगन या फिर बच्चों जॉन मिल्टन? कौन इनमें से मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री में? मिल्टन, वेरी नाइस। एक्चुअली क्या था कि बच्चों मिल्टन जो थे, मिल्टन थे तो प्योरिटन, लेकिन वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से नहीं जुड़े हुए थे। चीजें वही थी ऐसी ही, बट स्टिल ही वाज नॉट। जबकि वॉगन, हर्बर्ट और डन उसी में आते हैं। करेक्ट बच्चों। आप अगला क्वेश्चन देखिए, विच नॉवेल? ये तो आप बता दोगे, कौन सा नॉवेल इनमें से कैटेगरी में नहीं आता गोथिक नॉवेल की? गोथिक का मतलब होता है जिसमें बच्चों ब्लड शेड हो, है ना, वहां पे एक गॉस्ट भी हो और सारी मिस्ट्री वाली कंडीशंस बने, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्राइड एंड प्रेजुडिस, बिल्कुल सही। ये बच्चों एक घरेलू डोमेस्टिक नॉवेल है। कैसा नॉवेल है? डोमेस्टिक नॉवेल। करेक्ट और नॉट करेक्ट? शादी पे बेस्ड है, सोशल नॉवेल है, तो हम इसमें आंसर प्राइड एंड प्रेजुडिस। बाकी आप देखेंगे कैसेलो क्वाट्रेंटो, ओल्ड इंग्लिश बैरन या फिर द इटालियन, ये तीनों ही हमारे गॉथिक नॉवेल हैं। इन द लिटरेचर की जरूरत नहीं है आपको। ये आपको बताना है रेनिशा कब शुरू होता है। In which century did the Renaissance begin in Italy? इटली में कब शुरुआत इसकी बच्चों होती है? You need to find out. Very good, very good. तो कई ऑप्शंस हैं आपके 13th या फिर 14th सेंचुरी। आपको याद है हमने इसको पढ़ा था 1400 से लेके 1558 तक, लेकिन बच्चों मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? चौसर को। तो चौसर का मतलब हो गया 1340 से, यानी कि 14 सेंचुरी। ये आप आंसर करेंगे, तो आंसर वुड बी 14 सेंचुरी, यानी कि 1300 से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। इट वुड बी 14 सेंचुरी। क्या ये करेक्ट है आंसर? हाँ, चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिशा हम कहते हैं और इवनिंग स्टार ऑफ मेडिवलिज्म कहते हैं। हाँ, इटली में पेट्रार्क, देंते एटसेट्रा ने की। बिल्कुल सही बच्चों। तो मेरे ख्याल से हाफ एन आवर हमारा हो चुका है, तो आज इतनी क्लास रख लेते हैं। बाकी होप्स हो कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है बच्चों, और कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को ये एनरिच कर रहे हैं। सो आज इतना वर्क रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थर्टीन सेंचुरी बेटा, 14th है ये सेंचुरी ही, 14th है आपकी। अर्चना ध्यान से देखो आप इसको। तो चलो बच्चों, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय। कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग। ठीक है बच्चों।